मैं हूं अंजना ओम कश्यप। कौन सच्चा कौन झूठा, एक किताब जो अभी बाजार में आई तक नहीं है, वो किताब सोनिया गांधी को इतना परेशान कर देती है कि उन्हें कहना पड़ जाता है कि वो खुद एक किताब लिखेंगी। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये किताब खुद गांधी परिवार के राजदार ने लिखी है और इल्जाम लगाए हैं कि सोनिया का जो चेहरा 2004 में दिखाया गया वो हकीकत नहीं है। सोनिया ने कोई त्याग नहीं किया, सोनिया असल में तानाशाह की तरह काम करती हैं और यही है आज की बहस का सबसे बड़ा मुद्दा कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, आपका परिचय उनसे करा दें। शाहनवाज हुसैन साहब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़ गए हैं, केसी त्यागी जी जेडीयू की तरफ से, संजय निरुपम जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए जुड़ गए हैं। इन सबसे चर्चा करेंगे लेकिन उससे पहले दिखाते हैं आपको अपनी ये रिपोर्ट। किताब पर किताब, खुलासे पर खुलासा, सच पर पूरा सच। हिंदुस्तान की राजनीति में नटवर सिंह की किताब से मानो भूचाल सा आ गया है। कल तक जो नटवर सिंह गांधी परिवार के राजदार थे, जो कांग्रेस के कद्दावर नेता थे, वो आज अचानक से कांग्रेस के लिए विलन हो गए हैं। बात यहां तक पहुंच गई कि सोनिया गांधी को खुद ये कहना पड़ा कि अपनी जिंदगी की असली कहानी वो खुद लिखेंगी। अपनी किताब मैं खुद लिखूंगी और पूरा सच सामने आएगा। मैं क्यों आहत महसूस करूं? मैंने अपनी सास को गोलियों से छलनी देखा और मेरे पति की हत्या की गई थी। आपको लगता है कि मैं इससे परेशान हो जाऊंगी? सवाल उठता है कि आखिर वो कौन सा सच है जो सिर्फ सोनिया जानती है? क्यों नटवर सिंह की किताब के जवाब में उन्हें अपनी किताब लिखनी पड़ेगी? क्या सोनिया नटवर के उस सवाल का जवाब देंगी जिसमें उन्होंने सोनिया के पीएम नहीं बनने को तमाशा बता दिया है? 2004 में उम्मीद थी कि सोनिया बतौर पीएम 7 रेस कोर्स में दाखिल हो जाएंगी, लेकिन इस पर गांधी परिवार की राय एक नहीं थी। राहुल हरगिज नहीं चाहते थे कि उनकी माँ पीएम बने। राहुल को डर था कि उनके पिता और दादी की तरह कहीं उनकी माँ की भी हत्या ना हो जाए। मामला यहाँ तक पहुँच गया कि राहुल ने धमकी दे दी कि वो अपनी माँ को पीएम बनने से रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। राहुल दृढ़ इच्छा शक्ति वाले शख्स हैं और ये कोई साधारण धमकी नहीं थी। उन्होंने सोनिया गांधी को तय करने के लिए 24 घंटे का वक्त दिया। मेरे अलावा वहाँ प्रियंका, मनमोहन सिंह और सुमन दुबे मौजूद थे। सोनिया दुखी थी, उनकी आंखों में आंसू थे। एक माँ के लिए बेटे राहुल की अनदेखी करना नामुमकिन था। उनका अपना रास्ता था। यही वजह थी कि सोनिया पीएम नहीं बनी। क्या सोनिया बताएंगी कि किताब के आने से पहले वो नटवर सिंह से मिलने क्यों गई थी? मेरे साथ जो किया गया है वो आपकी मदर की वजह से किया गया है। मैंने कि ये है उसके लिस्ट पूरी, सुनती रही थी, सोनिया आ गई। सोनिया गांधी बिना इन्फॉर्म किए आपके पास? हाँ, मैंने कहा व्हाट अ सरप्राइज। फिर आई वो हमसे ऐसे जप्पी मिली और एम्ब्रेस्ड मी और फिर बैठ गई। क्या सोनिया खुद पर तानाशाह होने के इल्जाम का जवाब देंगी क्योंकि नटवर सिंह की किताब में लिखा है? सोनिया ने जिस दिन से भारतीय धरती पर कदम रखा महारानी की तरह देखी गई। वक्त बीतने के साथ सोनिया शर्मीली और सकुचाई महिला की जगह महत्वाकांक्षी, जिद्दी और तानाशाह नेता बन चुकी थी। उनकी नाखुशी से कांग्रेस नेताओं में डर दौड़ जाता था। कोई भी नेता 15 साल तक कांग्रेस अध्यक्ष नहीं रहा। कांग्रेस पर उनकी पकड़ किसी भी नेता, यहां तक कि जवाहरलाल नेहरू से भी ज्यादा मजबूत और टिकाऊ रही। उनकी अगुवाई में विरोध की मनाही है, चर्चाएं दम तोड़ती हैं, खामोशी हथियार की तरह है। हर एक हाव भाव एक संदेश है और घूरना चेतावनी है। यहां तक कि विपक्षी पार्टियां उन्हें सावधानी से हैंडल करती हैं। हालांकि अब ये बदल रहा है, नाकामी के लिए उन्हें कभी जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता। चाटुकारों की बटालियन हमेशा यही कहती है, सोनिया जी कभी गलत नहीं कर सकती। सोनिया की इस किताब का इंतजार जनता के साथ साथ सारे कांग्रेसियों को भी है। करीबी होने के मतलब नहीं कि सब आप सच्ची लिखें। करीबी होना और राजा हरिश्चंद होना दोनों में अलग फर्क है। तो सत्यवादी राजा हरिश्चंद होना और करीबी होना दोनों में अलग। तमाम लोग करीबी थे, कुछ भी लिख दे सकते हैं बाद में। किताब का बिना खर्च किए अच्छा प्रचार हो गया। सोनिया की किताब जब आएगी तब आएगी। फिलहाल कांग्रेस का कहना है
कि नटवर सिंह ने गांधी परिवार को धोखा दिया है और किताब बेचने के लिए मनगढ़ंत बातें लिखी हैं। ये हालत तब है जब नटवर सिंह की किताब वन लाइफ इज नॉट इनफ अभी बाजार में आई नहीं है। किताब के पूरे हिस्से सार्वजनिक नहीं हुए हैं। हालांकि सोनिया के बयान से एक बात साफ हो गई है कि सच अभी तक जनता के सामने आया नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर सच है क्या? आज तक ब्यूरो। वाकई एक जिंदगी काफी नहीं होती। इतने सारे फसाने इस किताब के जरिए निकले हैं कि उन सब पर पूर्ण विराम लगाना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन ये सवाल कुरेदेंगे और बहुत लंबे वक्त तक कुरेदेंगे सभी को। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधे रुक करते हैं संजय निरुपम जी। हर बहस और हर कांग्रेसी की ये लाइन हमेशा सुनने को मिलती है कि सोनिया गांधी ने तो त्याग दिया, बलिदान दिया। सवाल ये है कि अगर बेटे के डर की नींव पर वो त्याग था तो फिर वो कैसा बलिदान, वो कैसा त्याग? देखिए, नटवर सिंह जी एक जमाने में बहुत विश्वसनीय हुआ करते थे कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी के, और आज एक बहुत ही संदिग्ध परिस्थिति में पार्टी से निकाले गए, सरकार से निकाले गए, और उस परिस्थिति में वो जी रहे हैं। ऐसे में पूरी किताब जो लिखी गई है वो सब कुछ सत्य पर आधारित है। मुझे लगता है कि इतना भी जल्दी विश्वास करने की जरूरत नहीं है। मुझे ये किताब कम विश्वासघात ज़्यादा लगता है, इसलिए कि इस किताब के माध्यम से और कुछ नहीं, दो महत्वपूर्ण व्यक्तियों के जो अंतरंग बातचीत है, या फिर पार्टी के संदर्भ में, या पार्टी के अलग अलग फिलॉसफी के संदर्भ में, या कार्यक्रमों के संदर्भ में, उन बातचीत को एक बहुत ही गैर जिम्मेदारी पूर्वक श्री नटवर सिंह जी ने एक लोगों के सामने रखा या रखने का प्रयास किया। अभी तो पूरी किताब नहीं पढ़ी गई है, उसके अंश हमने अखबारों में देखे या आपके चैनल में देखे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि ऐसी किताबें कम से कम इस तरह के जो पॉलिटिकल लोग हैं जिनका देश की राजनीति में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है, ऐसे लोग जिनके पास बहुत सारी गोपनीय जानकारियां रहती हैं, उनको कम से कम इस तरह की जानकारी जाहिर नहीं करनी चाहिए। अगर इसमें मतलब देश सच ना जाने तो देश और सच ना जाने। जी ने जो एक बात कही मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण, ये कहीं ना कहीं अपना लाभ अर्जित करने के लिए, कहीं ना कहीं किताब को पॉपुलर करने के लिए, या कहीं ना कहीं बदला लेने की भावना से ये सारी बातें बाहर की गई है। इसमें कितना सच है कितना झूठ है बहुत बात की बात है, लेकिन निश्चित तौर पर श्रीमती सोनिया गांधी जी एक हम सब के लिए एक बहुत ही ताकतवर नेता हैं, और उनके नेतृत्व में निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त तरक्की की है। जब 1998 में एक बहुत ही विकट परिस्थिति में उन्हें कांग्रेस की अध्यक्षता स्वीकार की थी, तब कांग्रेस एक बहुत कमजोर स्थिति में थी। मेरे ख्याल से दो या तीन राज्यों में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। 2004 आते आते 14-15 राज्यों में सरकार है, और 2004 में उसके बाद केंद्र सरकार भी है, और सोनिया जी के नेतृत्व में पार्टी के कामकाज का नतीजा ये था। तो निश्चित तौर पर सोनिया जी का कांग्रेस के प्रति, कांग्रेस को एक बहुत बड़ा योगदान है, और उस योगदान को हम सलाम करते हैं। और ऐसे में डॉक्टर श्री नटवर सिंह जैसे व्यक्ति जो आज किसी तरह से खिसियाए हुए हैं, एक किसी तरह से मतलब एक उनके अंदर नफरत की भावना है, बदले की भावना है, उस भावना से लिखी हुई किताबों को सत्य पर आधारित मानना मुझे लगता है कि गलत होगा। और थोड़ी शाहनवाज हुसैन साहब, शाहनवाज हुसैन साहब, नफरत की वजह से लिख रहे हैं नटवर सिंह साहब ये सब? वो तो संजय जी के बयान में नफरत दिख रही है। नटवर सिंह जैसे सीनियर नेता जिन्होंने कांग्रेस में अपनी जिंदगी गुजार दी, संजय जी तो कांग्रेस में आए हैं, हम लोग के पुराने साथी हैं, लेकिन जो जानकारी नटवर सिंह जी के पास है तभी तो नटवर सिंह जी ने लिखा है। और बात यह है कि जो सवाल आज उठाया गया, संजय जी ने दोनों बात कह दी। पहले तो ये कहा कि जो जिम्मेदारी उन्होंने जब नज़दीकी होते तो लिखना नहीं चाहिए, दूसरी बात उन्होंने त्याग की बात कही। 2004 को याद कीजिए अंजना जी, जब उस वक्त देश में, आज भी बड़ा सवाल देश के मन में है, देश के लोगों के, कि सोनिया जी पीएम क्यों नहीं बनी, और उसके बारे में तरह तरह के कयास लगाए गए, अलग अलग डिबेट भी था कि यार राष्ट्रपति ने मना किया क्या, या उनको ये यकीन था कि ये देश के लोग क्योंकि वे विदेशी मूल की हैं स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे, तरह तरह के सवाल खड़े हुए। लेकिन जब सोनिया जी सेंट्रल हॉल में आई और उन्होंने जब जो बातें कहीं, आपने उसको कई बार दिखाया भी है, शायद अभी भी डिबेट में दिखाएं जी, तब वो ये बात थी कि वो त्याग किया है। और राहुल जी और प्रियंका जी बाहर आई थी, और मैं टेलीविज़न बहुत ध्यान से देखने वाला दर्शक हूँ, उस वक्त राहुल जी का भी बयान निकाल कर दिखाइए। राहुल जी ने क्या कहा? राहुल जी ने कहा कि मुझे बीजेपी पर दया आती है, हाँ, हाँ। कि बीजेपी इस तरह सोचती है, हाँ। ये तो बहुत बड़ा त्याग है।
और आज दिखा दिया हमारी माँ ने कि कितना बड़ा त्याग किया है। और ये देश को आज मालूम हुआ कि राहुल जी ने उनको रोका इसलिए कि ये जान का खतरा था। आज अंजना जी देखिए कि जो देश में फौजी लड़ने जाता है बॉर्डर पर, अगर उसकी माँ या उसके घर के लोग रोक लें, हाँ, तो देश की रक्षा कौन करेगा? और दूसरी बात, ये जिम्मेदारी से भागने के बराबर होता है, ये जिम्मेदारी से भागने के बराबर होता है। सीधे रुक करते हैं, दिग्विजय सिंह साहब हमारे साथ हैं। दिग्विजय सिंह जी, आप भी आज सुबह से बता रहे हैं देश को कि अपनी किताब को बेचने के लिए, उसका प्रचार करने के लिए नटवर सिंह साहब ने तमाम चीजों को सनसनीखेज अंदाज में लिखा है, लेकिन यह भी दावा करते हैं नटवर सिंह जी कि तमाम ऐसे कांग्रेसियों से कहीं ज्यादा वो गांधी परिवार को जानते हैं, तो क्यों ना उनकी बात पर विश्वास किया जाए? और जब वो ये कहते हैं कि राहुल गांधी का डर उस त्याग की नींव पर था, तो क्यों ना उस पर भरोसा किया जाए? पहली बात तो ये है कि इस बात को थोड़ा समझ लीजिए कि, और मैं इस बात को मानता हूं कि नटवर सिंह जी कई वर्षों से, कई दशकों से नेहरू गांधी परिवार से अत्यधिक निकट रहे हैं और मुझसे ज्यादा, कहीं ज्यादा निकट रहे हैं, लेकिन इतने वर्षों तक इंतजार किस बात का करते रहे? दूसरी बात यह है कि कितने ऐसे व्यक्ति होंगे आज इस देश में या विश्व में जिनको कि प्रधानमंत्री का पद मिल रहा हो और वे मना कर दें। त्याग अपनी जगह है, त्याग चाहे बेटे के कहने से हो, चाहे परिवार के कहने से हो, या खुद आत्मा की आवाज हो, त्याग तो अपनी जगह है ही, इसको कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। एक सेकंड दिग्विजय जी, जैसा कि शाहनवाज साहब अभी कह रहे थे, एक सवाल है, और वो सवाल ये है कि अगर हर बेटा इस तरह से डर दिखाए, सरहद पर जो फौजी अपनी जान देने जाता है उसका बेटा भी डर से कहे कि आप मत जाइए और जिम्मेदारी से भागने लगे, तब तो अपने आप में ये एक सवालिया निशान बन जाता है। क्या इस देश को चलाना इतने बड़े डर की बात है कि उसकी वजह से कोई पीछे हट जाए, और क्या हम पीछे हटने के कदम को सलाम करेंगे? शाहनवाज खान साहब पहले ही बता दें कि पहले तो बीजेपी और आरएसएस यही कहता रहा कि राष्ट्रपति जी ने उन्हें मना कर दिया कि हम आपको शपथ नहीं दिलाएंगे, इसलिए उन्होंने मना किया, और इस प्रकार का प्रचार पूरा पूरे देश में उन्होंने किया। पहली बात तो उन लोगों ने भ्रम फैलाने का जो प्रयास किया उसके लिए स्पष्टीकरण दें शाहनवाज साहब कि आखिर ये भ्रम किसके कहने से और क्यों फैलाया गया, जबकि खुद अबुल कलाम साहब इस बात को मना कर चुके हैं। दूसरी बात यह है कि जो तुलना की जा रही है सरहद पे जाने के लिए या उसके संबंधित, तो पहली बात तो यह है, बेटे ने कभी मना नहीं किया है कि वो सरहद पे जाके कहीं लड़ने से उन्होंने कहीं मना किया हो या उन्होंने, और ये परिवार वो परिवार है जिसने कि सब कुछ देश में न्योछावर किया है। इंदिरा जी ने खुद अपनी शहादत दी इस देश के लिए, राजीव गांधी ने खुद शहादत दी इस देश के लिए, उस परिवार के बारे में इसी बात करना, मैं तो कहता हूं कि महान निष्कृष्ट कृत्य है ये। नटवर जी झूठ बोल रहे हैं। देखिए, सच बोलना झूठ बोलना ये तो ईश्वर जानता है, लेकिन इतने दिनों तक नटवर जी किस बात का इंतजार करते रहे? इंतजार करने से बात गलत हो गई। मैं आपसे इतना कह रहा हूं कि ये प्रश्न 10 साल बाद उठाया जा रहा है। मैं तो कहता हूं चलिए राहुल गांधी जी ने मना किया कि आप मत प्रधानमंत्री का पद लीजिए, तो क्या अपने आप उन्होंने त्याग नहीं किया इस बात का पद का? ये देश के, विश्व के सबसे बड़े प्रजातंत्र के सबसे शक्तिशाली पद को अस्वीकार करना, इसको आप त्याग नहीं कहेंगे? लेकिन त्याग अगर डर की वजह से हो तो वो कुछ और बन जाता है। चलिए अगला सवाल देखिए, ये परिवार न कभी किसी से डरा है न कभी डरेगा। इस प्रकार की बात उनके परिवार के प्रति करना मैं समझता हूँ कायरता है और गलत है। ठीक है, अगला सवाल। वो कहते हैं कि सोनिया गांधी तानाशाह थी, सम्मान की वजह से कोई उनकी बात नहीं सुनता कांग्रेस पार्टी में, सब डरते हैं उनसे। आपने तो काम किया है साथ में, उनसे बड़ा प्रजातांत्रिक विचार रखने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे, और मेरे को, मुझे बहुत दुख है इस बात का कि नटवर सिंह जी जिन्होंने अपने पूरे राजनीतिक कार्यकाल में अगर उन्हें कुछ मिला है तो
तो कांग्रेस ने उनको दिया है, नेहरू गांधी परिवार ने दिया है, वे अब इस बात की बात करते हैं। एक तरफ वो प्रशंसा कर रहे हैं, नेहरू जी के तुलना कर रहे हैं, नेहरू जी के साथ तुलना कर रहे हैं, अब्राहम लिंकन के साथ तुलना कर रहे हैं, और उसके बाद इस प्रकार की बात कर रहे हैं। वे अत्यधिक प्रजातंत्री रूप से काम करती हैं और कभी भी उन्होंने किसी प्रकार के एक डिक्टेटर के रूप में काम करने का ना कभी मन बनाया है, ना कभी उदाहरण दिया है। खुद राजीव गांधी ने दिग्विजय सिंह साहब हार के बाद कहा था ये कि साइकोफेंसी का एक अलग ही लेवल कांग्रेस पार्टी में है और उसको संभालना, उसको पकड़ में लेना बहुत जरूरी है। वास्तविकता से आप भी रूबरू हैं और आपको भी पता है, आपको नहीं लगता है कि कांग्रेस पार्टी को भी नए सिरे से सोचने की जरूरत है? डीपी त्रिपाठी साहब से कुछ देर पहले मेरी बात हो रही थी एनसीपी की तरफ से, वो भी ये कह रहे थे कि इस बात में दम है कि चाटुकारिता को कांग्रेस पार्टी में बढ़ावा दिया जाता है, विश्वसनीय वही होता है जो हाँ में हाँ मिलाए गांधी परिवार के। क्या ये रीति रवायत नहीं है कांग्रेस पार्टी की? डीपी त्रिपाठी जी भी कांग्रेस में रहे हैं, मैं समझता हूँ कि वो भी इस बात को जानते हैं। और अगर समय मैं नहीं जानता कि राजीव गांधी जी ने किस बात के लिए साइकोफेंसी की बात की थी। साइकोफेंसी भी एक कला है और साइकोफेंसी भी जो कला है, आज क्या भारतीय जनता पार्टी में आप साइकोफेंसी नहीं देखते हैं? क्या शाहनवाज खान साहब के जो बयान आते हैं उसमें कभी आप साइकोफेंसी झलकती नहीं है आपके मन? लेकिन बात इस बात को मैं कहना चाहता हूँ, साइकोफेंसी छोड़ दीजिए, लेकिन इस बात को कोई नहीं झुटला सकता कि नेहरू गांधी परिवार ने इस देश के लिए त्याग किया है, इस बात इस देश के लिए कि देश की सेवा की है, और इस देश की सेवा करने में ना कभी हिचके हैं ना कभी उन्होंने कायरता का कहीं परिचय दिया है। दिग्विजय जी, शाहनवाज जी आपकी बात पर रिएक्ट करना चाहते हैं। शाहनवाज साहब, देखिए दिग्विजय सिंह साहब ने जो बात कही, अभी पहली बात तो कही कि हम लोगों ने एक प्रचार किया, अब्दुल कलाम साहब ने इनको मना किया। वो हमने प्रचार नहीं किया, ये देश में ये स्थिति बनी थी कि आखिर सोनिया जी क्यों नहीं बन रही हैं, एक सवाल खड़ा हुआ था। उस सवाल में तरह तरह की भ्रम की स्थिति बनी थी, हमने नहीं बनाई और कलाम साहब ने उस पर जवाब दे दिया। उसके बाद बहुत बड़ा मुअम्मा बन गया था ये कि आखिर क्या वजह है कि सोनिया जी इतने बड़े प्रजातांत्रिक देश की प्रधानमंत्री से मना किया। मैं कह रहा हूँ कि जो प्रधानमंत्री है, चाहे राजीव जी इंदिरा जी की शहादत पर कोई सवाल कोई भी देशभक्त उठा नहीं सकता, हम उनकी देशभक्ति को सलाम करते हैं, उनकी शहादत को सलाम करते हैं, लेकिन जो प्रधानमंत्री का पद होता है वो तो सच में सबसे खतरों के खिलाड़ी के लिए है। आज जो भी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठता है उसके लिए पूरा इंतज़ाम एसपीजी करती है और उसको मालूम होता है कि आज नरेंद्र भाई प्रधानमंत्री बने हैं तो उनके ऊपर कम खतरे हैं। तो ये कह दें कि कोई पार्टी का या उनके घर का व्यक्ति कह दे कि नहीं आप पर खतरा है, प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी ना लें, तो वो कैसे मना करेंगे? दिग्विजय जी खुद मुख्यमंत्री रहे, इनके यहाँ नक्सल थे, तो कल इनका बेटा कह देता नहीं आप जाकर मुख्यमंत्री ना नहीं बने, आप पर खतरा है, तो क्या स्टेट की खिदमत छोड़ देते? सवाल ये है कि जो मैंने पहले सवाल उठाया कि और जहाँ तक दो बातें और आई हैं, एक तो नटवर सिंह जी जैसे आज दिग्विजय सिंह जी करीबी माने जाते हैं, राहुल गांधी जी के गुरु माने जाते हैं, लेकिन अगर दिग्विजय सिंह जी कल कुछ लिखेंगे तो उस पर तो चर्चा करनी पड़ेगी, यानी ये कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता ने नहीं लिखी है, इसलिए हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। और हम जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में ये साइकोफेंसी नहीं है, हमारे यहाँ ये सब शब्द का ना उपयोग होता है ना हम इसको करने वाले हैं। दिग्विजय सिंह जी का आरोप मेरे बयान पर पूरी तरह मिथ्या है। दिग्विजय जी, इसका जवाब अगर आप देना चाहें। पहली बात तो यह है कि मुझे तो हमेशा शाहनवाज साहब से बहुत ही सहानुभूति रहती है, क्योंकि इनको किन परिस्थितियों में काम करना पड़ता है भाजपा में मैं जानता हूँ और इस पर हमारी चर्चा भी होती है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस बात को आप मानकर चलिए कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक के आज पिता हैं नटवर सिंह जी, इस बात को मत भूलिए। और मैं इस बारे में अब इतना ही कहना चाहता हूँ कि नटवर सिंह जी ने अपनी किताब लिख दी, उन्होंने कुछ कह दिया, किसके सामने उनकी बात हुई, किसके सामने बात नहीं हुई मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन
मैं इसको पूर्ण रूप से अवसरवादिता मानता हूँ। और अवसरवादिता दो तरह से, एक तो यह है कि वे अपनी किताब का प्रमो बड़े आसानी से उन्होंने कर लिया, एक दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी में उनके पुत्र के का स्थान और भी उभर कर सामने आए। एक स्वाभाविक है कि पिता अपने पुत्र के लिए इतना तो करेगा ही। शानवाज जी, बहुत धन्यवाद जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दिग्विजय सिंह जी से एक वो उठ गए हैं, लेकिन लेकिन शानवाज जी वो उठ गए हैं, अपना सवाल आप बता दीजिए ब्रेक पर जाने से पहले, ठीक है, सवाल बता दीजिए। जी जी, एक चीज जानना चाहता हूँ कि अगर दिग्विजय सिंह गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, लेकिन आखिर सोनिया जी गंभीरता से लिया और वो नटवर सिंह जी के यहाँ गई, तो आखिर कोई बात थी तभी तो वहाँ गई। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। संजय निरुपम जी, आपके पास भी मैं आऊंगी, क्योंकि कई सारे सवाल तो कांग्रेस पार्टी के छूट गए। नीरजा चौधरी जी भी स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय निरुपम जी, ब्रेक के बाद जब मैं आऊंगी, केसी त्यागी जी आपके पास भी फौरन ब्रेक के बाद आऊंगी। राहुल गांधी ने रोका सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनने से। सोनिया गांधी तानाशाह है, सम्मान नहीं, डर की वजह से हर एक उनकी बात को मानता है। कांग्रेस पार्टी में हर फाइल प्रधानमंत्री के दफ्तर से सोनिया गांधी के घर पर जाती थी। तमाम ऐसी बातें लिखी है नटवर सिंह ने अपनी इस किताब के जरिए, कई सारे राज कह लीजिए अगर सच है तो। लेकिन दूसरी तरफ अब सोनिया गांधी कहती हैं कि वो खुद किताब लिखेंगी, तभी जाकर पूरा सच सामने आएगा। तो बहरहाल अभी तय करना मुश्किल है कि कौन सच्चा है कौन झूठा, कई सारे सवाल शायद असुलझे ही रह जाए, लेकिन हाँ ये सवाल परेशान जरूर करेंगे कांग्रेस पार्टी को आने वाले वक्त में। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। केसी त्यागी जी, मैं एक बार आपके पास आना चाहती हूँ। कुल मिलाकर त्याग और बलिदान की बात अपनी जगह पर, लेकिन ये जो प्रधानमंत्री के फाइलें वहां जाती थी, ये बहुत गंभीर मुद्दा है। इसका सीधे सीधे वास्ता देश से है कि क्या इस देश को चलाने के लिए एक समानांतर सरकार चल रही थी, क्या एक सुपर प्राइम मिनिस्टर थी सोनिया गांधी। अंजना, पहले तो मैं एक पाठक के रूप में उनकी जो पहली दो किताबें हैं, एक तो चाइनीज डायरी उनकी है और दूसरी है वॉकिंग विद द लायन, बहुत अच्छी किताबें हैं। पहली किताब उनकी 50s की है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू जी के साथ उनका गुजरा हुआ वक्त है, 1952 से वो इंडियन फॉरेन सर्विसेज में थे, और किस तरह से जो इंडो चाइना वार हुई है उसको लेकर के भी उन्होंने बहुत साफ गोई के साथ लिखा है। जी। दूसरा उनका वॉकिंग विद द लायन है, जिसमें इंदिरा गांधी के साथ कैसे नेम की चेयरमैन बनी इंदिरा जी, और कैसे वो राजीव गांधी को चाइना ले जाने में लंबे समय के बाद कामयाब हुए। तो एक पाठक के रूप में कहना चाहता हूं उनकी किताबें और जानकारियां बहुत ज्यादा हैं। दूसरा जो आपने सवाल उठाया है वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच की अगर लड़ाई नहीं मैं मानूं तो हो सकता है कई रहस्योद्घाटन उन्होंने इसमें किए होंगे, क्योंकि पहली जो किताबें हैं वो जवाहरलाल जी को समर्पित है, दूसरी किताब इंदिरा जी को और राजीव जी को समर्पित है, और उन्होंने इंदिरा सोनिया जी की तारीफ भी की है, कई जो किताबों के प्रोमोज आ रहे हैं। लेकिन इस समय वो कांग्रेस पार्टी से नाराज हैं और खफा हैं, तो उस नाते अगर उनका लेखक मन के बजाय एक गुस्से वाले राजनेता का मन है तो मैं लगता हूं कि शायद उन्होंने न्याय नहीं किया होगा। लेकिन अगर लेखक के रूप में बगैर गुस्से के बगैर प्रतिशोध के उन्होंने अगर लिखा होगा तो बहुत जानकारियां हमको आपको मिलेंगी। मैं भी उस समय हम लोग एनडीए में थे जी, और जी। ये उस समय गर्म बहस का मुद्दा भी था। अब जो विदेश मंत्री है सुषमा जी, उन्होंने धमकी दी थी कि सुषमा जी ने कि अगर ये बन जाएंगी सोनिया जी प्रधानमंत्री तो मैं अपने बाल कटा लूंगी। अभी नीरजा जी भी उसी का जिक्र कर रही थी, दूसरी मंत्री हैं, नीरजा जी भी उसी का जिक्र कर रही थी, हाँ, उमा भारती जी का भी। वही मैं आपसे कह रहा हूँ। तो संजय जी के पास चलते हैं। एक चीज में अंजना जरूर कहना चाहता हूँ। जी जी, बोले बोले जल्दी से। नहीं, मैं एक चीज जरूर कहना चाहता हूँ कि वो समय ऐसा था कि जब सोनिया गांधी अपने जीवन के सबसे संघर्ष के दौर से गुजर रही होंगी, क्योंकि हम सब लोग उनके खिलाफ थे, कांग्रेस पार्टी का एक तबका था, शरद पवार जी के नेतृत्व में अलग हो चुका था विदेशी नागरिक के मुद्दे को लेकर के, तो वो मंथन के दिन जो थे उसमें किसी इंसाइडर के जरिए कई चीजों की जानकारी मिल सकती है। लेकिन अब हम ये ऐसा मानते हैं कि सोनिया गांधी इस देश की ऐसी बहू है जैसी मेनका गांधी,
इसलिए उस नजरिए से देख करके ये एनडीए से बाहर निकलने के बाद हुआ होगा आपके साथ। और भाई हम तो कभी ना कांग्रेस में रहे ना कांग्रेस, ये एनडीए से निकलने के बाद हुआ होगा आपके साथ। नहीं कांग्रेस नहीं तो तब ये एनडीए से निकले तो हमें एक साल हुआ है और कभी ना हम कांग्रेस में रहे कल हुआ है। संजय निरुपम जी के पास चलते हैं, तमाम अन्य मेहमानों का ब्रेक करते हैं, ठीक है संजय निरुपम जी। अब शाहनवाज साहब उसके पास फौरन आओगे। कल ही समझौता हुआ है त्यागी जी का कांग्रेस से बिहार में। बिल्कुल संजय निरुपम साहब जी, दो तीन बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिस पर बहुत गंभीरता से बात होनी चाहिए, क्योंकि अब आप सिर्फ अगर आप देखें तो नटवर सिंह साहब ये बात कह रहे हैं पीएमओ तक फाइल की फाइल्स वहां जाने की, इससे पहले संजय बारू जी ने भी कहा है, तो उनकी भी नीयत खराब थी, उनको कौन सी ऐसी अचानक दुश्मनी आ गई थी, इनकी तो मान भी लिया जाए कि शायद बैर हुआ जिस वजह से उनको मंत्री हटाया गया या फिर पार्टी से अलग किया गया, तो संजय बारू साहब भी वही कह रहे, तो सारी की सारी दुनिया एक ही बात कह रही है तो विश्वास तो उनकी बात पे करेगा लोग। मैं आता हूं आपके प्रश्न पे, तीन बातें मुझे कहनी है। पहली बात यह है कि 2004 के लोकसभा के आम चुनावों के बाद जब नतीजे आए तो सोनिया जी के समक्ष मैं समझता हूं थाली में परोस के प्रधानमंत्री का पद रख दिया था इस देश में। अब किन परिस्थितियों में उन्होंने छोड़ा, अगर आप नटवर सिंह के काल्पनिक बातों को जो राहुल जी के हवाले से वो कह रहे हैं उसको भी मान लें तो भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री पद को छोड़ना त्यागना एक प्रकार का त्याग तो है। एक बात ये मुझे कहनी। दूसरी बात मुझे ये कहनी है कि प्रधानमंत्री पद तो त्यागा लेकिन अगर वो डरी हुई होती तो कांग्रेस के अध्यक्ष पद के पर रहते हुए वो पूरे देश में दौरे नहीं करती, पूरे देश में पार्टी का चुनाव प्रचार नहीं करती। मुझे याद है पिछले 5 वर्षों में जहां जहां भी बम विस्फोट हुए हैं या कोई भी हादसा हुआ प्रधानमंत्री से पहले सोनिया जी वहां पहुंचती रही है, यानी कहीं ना कहीं उनके अंदर एक निडरता थी देश के लिए, कांग्रेस के लिए और समाज के लिए वो लगातार काम करती रही। इस पर एक रिएक्शन ले लेते हैं शाहनवाज साहब, जो लोग निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि डर के मारे उन्होंने प्रधानमंत्री का पद नहीं लिया, ये निष्कर्ष सरासर गलत है। संजय बारू की किताब कोट कर रहे हैं और उसके बाद आप नटवर सिंह की बात कोट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जो 10 वर्षों तक इस देश में प्रधानमंत्री के तौर पर काम किए की बात सच है पहले यह मान के चलना चाहिए। और अगर आप कहेंगे नहीं प्रधानमंत्री सच नहीं बोल रहे, नटवर सिंह सच बोल रहे हैं, तो मुझे लगता है यह प्रधानमंत्री के ऊपर अन्याय होगा। तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने साफ साफ कहा है कि सोनिया जी ने कभी भी सरकार की कोई भी फाइल नहीं देखी है और मुझे लगता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की इस बात के ऊपर विश्वास करना चाहिए। और आखिरी बात राहुल जी के संदर्भ में, आप जो कहते हैं राहुल जी एक इस देश के सर्वसामान्य नौजवानों से थोड़ा सा अलग है, उन्होंने जब एकदम से छोटी उम्र के थे तो अपनी दादी को मरते देखा, उनकी हत्या हुई, उसके 7 साल के अंदर उनके पिता की हत्या हो रही है और ऐसे में एक नौजवान के मनोमस्तिष्क में किसी प्रकार का एक मनोवैज्ञानिक दबाव तो जरूर रहेगा। और ऐसे में अगर कोई बात कह रहे हैं तो मुझे लगता है बाकी सभी नौजवानों के दृष्टिकोण से देखने के बजाय उनकी मानसिकता को समझने लेते हैं, इतना भी डर नहीं गए, सत्ता से दूर रहने की परिवार मिलेंगे, समाज के लिए काम नहीं करेंगे, देश के लिए काम नहीं करेंगे, कांग्रेस के लिए काम नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर डर जाते तो सब छोड़ छाड़ के परिवार ले सकते थे, लेकिन राजनीति से संन्यास नहीं लिया, देश की सेवा कर रहे हैं कांग्रेस के तमाम नेताओं की तरह अपने पूर्वजों की तरह। संजय जी मुझे मौका दें, संजय जी गांधी परिवार की बात आती है तो आज ऐसे परिवार मिलेंगे, आज ऐसे परिवार मिलेंगे पंजाब हरियाणा और देश के बॉर्डर पर, एक पिता ने बलिदान दिया, दादा ने दिया, फिर भी वो सैनिक परिवार कहता है नहीं हम सेना के लिए लड़ेंगे, लोग कहने वाले हैं। और राहुल जी से पहले इंदिरा जी हों या राजीव जी, बलिदान की बात उन्होंने शहादत दी, जिस पार्टी में इंदिरा जी राजीव जी शहादत और गांधी जी तक ने सबकी हत्या की गई हो, उस पार्टी के बलिदान की चर्चा करते समय भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास त्याग और बलिदान के ऊपर प्रवचन करने का कोई हक नहीं है। हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने बलिदान दिया है कश्मीर के लिए, जो कश्मीर तो देश की आजादी नीति की वजह से दूर चला गया, कांग्रेस पार्टी ने पता नहीं लाखों कार्यकर्ता और नेताओं को गवाए हैं देश की आजादी से लेकर, आप भी तो नहीं लड़े, आप तो हमारे साथ थे, आरएसएस और बीजेपी के लोग कांग्रेस के नेताओं के त्याग और बलिदान के ऊपर सवाल उठाने से, अरे हम आपकी गाथा पोल खुल गई है आपके ये त्याग की, त्याग तपस्या और बलिदान की गाथा की पोल खुल गई है, इसलिए आप इस तरह की
बातें कर रहे हैं। निर्जय जी कुछ आज की जो मार्केटिंग की थी आज मार्केटिंग खुल गई है, लोगों को मालूम हो गया है कि आप बिना जिम्मेदारी नहीं, मैं कह रहा हूँ इनका जवाब दे रहा हूँ। संजय जी आपने जवाब, आप जब बोले मैं नहीं बोला, मैं कह रहा हूँ आपके सवालों का जवाब मुझे देना दीजिए। मैं आपको कह रहा हूँ कि मतलब कहीं ना कहीं सोनिया जी के मन में प्रधानमंत्री पद या जिम्मेदारी के प्रति वैसा लालच प्रधानमंत्री हुए नहीं था तो ये त्याग और बलिदान ही प्रधानमंत्री हुए। और इसको भारतीय जनता पार्टी नहीं स्वीकार कर सकती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का नेतृत्व कौन कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के लिए पता नहीं क्या क्या जुगाड़ लगाया, हर मीडिया के ऊपर पता नहीं किस किस तरह के काम काज किए और क्या क्या किए, मुझे इस बारे में नहीं बोलना है। लेकिन एक तरफ नरेंद्र मोदी तो सुनेंगे तड़पते रहे और आखिरकार ने ये जिम्मेदारी ले ली कि हम बिना सत्ता के बिना प्रधानमंत्री बने प्रधानमंत्री का मजा चखेंगे, यही जिम्मेदारी ले ली। कारण कोई भी हो, सोनिया जी ने बिना प्रधानमंत्री बने सत्ता के सारा दुरुपयोग किया। आपने ये जिम्मेदारी ले ली कि बिना प्रधानमंत्री बने सत्ता चलानी है, फाइल मंगानी है, निर्णय करना है, जो बयान ये भी बात लिखी है, उसकी सच्चाई पर भी नहीं लेंगे करना पड़ेगा। और जिम्मेदारी और सरकार भी चलाएंगे विश्वास न करने के बजाय लिख देगा तो आप कहीं नटवर सिंह जैसे एक पार्टी से नहीं मानेगा कि आपने त्याग किया। उसकी इजाजत हो शाहनवाज हुसैन साहब और संजय निरुपम जी तो थोड़ा सा मैं भी बोलूं। निर्जय चौधरी जी, किसकी पोल खुल गई? दोनों की बात आपने सुनी है सबकी। देखिए मैंने 2004 के इन इवेंट्स को बहुत क्लोजली कवर किया था जी। ये एक फैक्टर जो नटवर सिंह जी कह रहे हैं कि राहुल और हो सकता है प्रियंका के भी मन में एक दर्द था और ये इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास खबर थी कि उनको उनकी लाइफ को खतरा हो सकता है। ये वीपी सिंह, लेट वीपी सिंह ने हमारी बातचीत मुझे भी कहा था। आपको भी वीपी सिंह पूर्व प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि उस परिवार में डर है, बेटी प्रियंका भी। उन्होंने कहा था कि इंटेलिजेंस की खबर है, ठीक है, कि सोनिया गांधी को खतरा है अगर वो प्रधानमंत्री बनती हैं। एक सीपीएम के वरिष्ठ नेता ने, मैं उनका नाम नहीं लूंगी क्योंकि उन्होंने भी ये कहा था कि ये एक फैक्टर है। उस समय अगर आपको याद होगा सुषमा स्वराज ने कहा था अगर वो बनेंगी तो मैं सिर मुड़वा लूंगी, सेंसेक्स क्रैश कर गया था, बातचीत थी कि अगर वो प्रधानमंत्री बनती हैं तो बीजेपी के चीफ मिनिस्टर्स उनको रिसीव भी नहीं करेंगे, कोऑपरेट नहीं करेंगे अगर जब स्टेट्स में जाएंगी, वायलेंस का डर था देश भर में। तो कई फैक्टर्स थे और हो सकता है बच्चों ने जिन्होंने अपने फादर को भी खोया था, दादी को भी खोया था, उनके मन में भी एक सवालिया हो सकता है कि ये इनके ऊपर भी खतरा हो सकता है, वो नेचुरल स्वाभाविक चीज़ है। तो जब वो कहती हैं कि मेरी इनर वॉइस की वजह से किया, अगर आप कोई भी निर्णय लेते हैं और ये फैक्टर जो नटवर सिंह जी ने उजागर किया है उस समय चर्चा का विषय था अंदर खाने, लेकिन जब आप निर्णय लेते हैं, आप भी लेती हैं मैं भी लेती हूं, तो आप हर चीज को कुल मिला के बहुत सारी वजहों को शामिल करके एक अंतिम निर्णय तक पहुंचते हैं। और जहां एक लास्ट चीज मैं कहूंगी, कहां है कि डर की वजह से अगर उन्होंने नहीं लिया तो क्यों वो गलत होगा, रियलिज्म की वजह से नहीं लिया मैं मानती हूँ, जो भी था नहीं लिया, लेकिन तो अभिलाषा की वजह से अगर आप पद लेते हैं, एम्बिशन की वजह से जो मोस्ट नेता लेते हैं तो क्या आप उनको भी गलत बनाएंगी? ठीक, यही कई कारण होते हैं। एनसीपी नेता डीपी त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डीपी त्रिपाठी जी, सीधे उस सवाल पर आते हुए, कई लोग ये कहते हैं क्योंकि सोनिया गांधी के साथ आपने भी काम किया है, वो कहते हैं कि तानाशाह है नटवर सिंह साहब, कहते हैं कि सम्मान से नहीं डरते हैं लोग और इसलिए बात मानते हैं उनकी। नहीं नहीं, उससे बड़ी बात यह है कि श्री नटवर सिंह जी देश के बहुत ही विद्वान, सुसंस्कृत, सुशिक्षित राजनेता हैं और वो एक अनुभवी राजनयिक रहे हैं, देश के डिस्टिंग्विश्ड डिप्लोमैट रहे हैं। 1944 से जवाहरलाल नेहरू के जमाने से नेहरू परिवार से उनका निकट संबंध रहा है, इंदिरा जी के समय चला, मैंने राजीव जी के साथ निकट से काम किया, मुझे पता है कितनी घनिष्ठता नटवर सिंह जी से राजीव जी की थी, पूरे परिवार की थी, और सोनिया जी के समय भी ये निकटता चली। इसलिए अपने व्यक्तित्व, स्वभाव और निष्ठा के कारण नटवर सिंह जी कोई असत्य, क्षुद्र या गलत बात नहीं लिखेंगे। जो उन्होंने कहा है वो सब घटनाओं पर, सत्य घटनाओं पर आधारित है
और उस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। संजय जी, आपके गठबंधन के पार्टी के नेता डीपी त्रिपाठी ये कहते हुए कि कुछ भी गलत नहीं लिखेंगे नटवर सिंह साहब, ये तमाम लोग हैं जिन्होंने उनको देखा है करीब से। अब डीपी त्रिपाठी साहब भी पहले कांग्रेस पार्टी में थे और आज कांग्रेस में नहीं है, पता नहीं उनके मन में कौन सा पूर्वाग्रह और कौन सा दुराग्रह है। अब उनके दुराग्रह का मैं आदर करूंगा, उनके पूर्वाग्रह का मैं आदर करूंगा, लेकिन मैं सबसे पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने जो बातें कही है उस पर ज्यादा विश्वास करता हूं, एक। और दूसरी बात, मैं भी पिछले मेरे ख्याल से आठ नौ साल हो गए कांग्रेस में काम करते हुए, मैंने भी अपनी कांग्रेस अध्यक्षा के साथ काम किया, मुझे तो नहीं लगता कि वो तानाशाह है। उनके अंदर जिस प्रकार के जनतांत्रिक विचार, जनतांत्रिक भावनाएं, जिस तरीके से हम लोगों से हर विषय के ऊपर वो हमारी राय जानना चाहती हैं और उसके बाद एक निष्कर्ष लेती हैं, मुझे लगता है अपने आप में काफी है। और अगर वो सिर्फ तानाशाह होती तो शाहनवाज जी आप मुस्कुरा जरूर रहे हैं, लेकिन अब वही साइकोफेंसी और ऐसे शब्द जो इस्तेमाल होते थे, संजय जी न टोकें, मोदी बिल्कुल नहीं टोकेंगे, वो मोदी से ये एश्योर कराइए कि वो मैंने टोका तब जब आपने टोकना शुरू किया। कांग्रेस के लोग आजकल सुनते नहीं है, आज कांग्रेस की दिक्कत ये है कि वो सुनने को तैयार नहीं। हम तो पिछले 10 सालों से सुन रहे हैं। जल्दी से शाहनवाज जी, जल्दी से ना, अभी भी लग रहा है कि आप सत्ता में ही है। शाहनवाज जी देखिए, आज तक पर ब्रेक का टाइम आपको सुनना चाहिए। अगर डीपीटी ने जो बात कही है वो इनके एलाइज हैं और कांग्रेस में ज्यादा दिन तक रहे हैं। संजय जी, कम से कम अगर नटवर सिंह जी के बात पर विश्वास न हो तो ये मान ले, मैं एक लाइन अंजना जी कह रहा हूं कि इस 10 जनपद में यह तय हुआ कि बिना जिम्मेदारी के सत्ता चलाना है, प्रधानमंत्री की कुर्सी भी न लो लो और फाइल भी मंगा लो और उस पर दस्तखत जो मर्जी करवा लो, ये लिखा है नटवर सिंह जी ने। ये त्याग नहीं है, बिना जिम्मेदारी के सत्ता संभालना, बिना जिम्मेदारी के देश। तो भारतीय जनता पार्टी को ये बात सूट करेगी, जाहिर तौर पर वो ये कहेंगे कौन सच्चा है कौन झूठा निर्णायक रूप से कहा भी नहीं जा सकता, लेकिन हाँ सवाल कई सारे और ये गंभीर सवाल है देश के नजरिए, कौन सच्चा कौन झूठा, इन दो चेहरों के इर्द गिर्द ये सवाल, और ये शायद सवाल बनकर ही रह जाए, लेकिन राजनीति में फायदा और नुकसान देखा जाता है। और इसलिए नीरजा चौधरी जी आपसे मेरा अंतिम सवाल, कांग्रेस पार्टी को नुकसान होगा क्या, किसको नुकसान किसको फायदा? इसके ऊपर चर्चा तो होगी और राहुल के ऊपर प्रहार हो रहा है, और क्योंकि गांधी परिवार कांग्रेस को एकजुट रखता है, गांधी परिवार को कमज़ोर करना विरोधी पार्टियों के तो हित में है और वो ये हल्ला बोल तो करेंगे ही जी। अब सोनिया गांधी की अपनी बायोग्राफी को ईगली अवेट किया जाएगा कि उनको क्या कहना है इसके बारे में। अब सोनिया गांधी की जीवनी का करना होगा इंतजार, लेकिन इतना जरूर है कि गांधी परिवार के इर्द गिर्द ही कांग्रेस पार्टी की राजनीति झूमती रही है इतने बरसों तक, और इसीलिए जब भी प्रहार गांधी परिवार पर होता है तो फायदा विपक्षी पार्टियों को होता है। आप देख रहे हैं आज तक।